बिना मन की शांति के हमारे जीवन का भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। और विहंगम योग की साधना के द्वारा एक साधक साधता है, मस्तिष्क की अल्फा तरंगें बढ़ने लगती हैं। अल्फा के बढ़ने से क्या होता है? शांतिमय सचेत अवस्था का निर्माण होता है। सबसे प्रमुख बात यही है, केवल शांत ही नहीं है साधक, शांत तो है ही, किंतु केवल शांत है ऐसा नहीं, वो सचेत है, वो जागरूक है, दोनों स्थितियां एक साथ है। विहंगम योग की साधना से यह सहज संभव है। ऐसी तरंगें जिनसे तनाव हो, चिड़चिड़ापन हो, अस्थिरता हो, अनियंत्रण बढ़े, नकारात्मकता बढ़े, ऐसी तरंगें जिनसे हम प्रतिकूल परिस्थितियों में बिल्कुल अस्थिर हो जाएं, हमारे भीतर राम वृत्तियां हैं, हमारे भीतर रावण वृत्तियां हैं, हमारे भीतर शुभ है, हमारे भीतर अशुभ है। तो यह जो साधना है, हमारे भीतर जो शुभ है, पवित्र है, सकारात्मक है, जो श्रेष्ठ है, जो राम वृत्तियां हैं हमारे भीतर, उसी को प्रदीप्त कर देती हैं, उसी का विकास करती हैं, उसी को आगे ले जाती हैं। और जो कुछ भी ऐसा है, जो कुछ भी ऐसा है जो न तो हमारे लिए और न तो घर परिवार समाज राष्ट्र के लिए अच्छा है, ऐसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को यह जो साधना है नष्ट करती है। तो कुछ क्षण का अभ्यास ही, सदगुरु कृपा का आधार ही, हमारी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करता है और यह पथ हमें आनंद से ही भर देता है।